राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू पहुंचे। बता दें कि नीम हकीम अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में आज मंगल पांडे और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पटना के IGIMS अस्पताल के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल में पौधारोपण किया और पेड़ पौधे से होने वाले फायदे को बताया और कहा कि पेड़ पौधे से ही हमारा कल्याण हो सकता है। संपूर्ण राज्य के अंदर अभी हरित आवरण करीब 15% है और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री नीरज बबलू जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि इस हरित आवरण को बढ़ा के 17% हमको करना है। चूंकि हम सब लोगों को ध्यान में है कि जब राज्य का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से जो अपना बड़ा जंगल का भाग था, पेड़ पौधे का भाग था, वो झारखंड में गया है, तो बिहार में ये हरित आवरण बढ़े 17% तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। और इस साल जैसा माननीय मंत्री नीरज बबलू जी ने बताया कि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो ये जो पौधे लगाए जाएंगे उसमें आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारे अस्पताल परिसर हैं जहाँ लोगों का इलाज और उपचार होता है वहाँ पे हरियाली ज़्यादा हो, वहाँ पे वातावरण वायुमंडल बेहतर हो और इस प्रकार के पेड़ लगाए जाएं जिससे वायुमंडल को हम स्वच्छ रख सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। और इसी सोच के साथ आज आदरणीय मंत्री जी ने यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मैं इनके साथ आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और पहले से ही IGIMS परिसर में काफ़ी हरित पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा हरियाली यहाँ दिखे ये प्रयास विशेष तौर पे आज से प्रारंभ होगा और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य अस्पतालों में पेड़ विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। सर, कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की गई पूरे देश में, बिहार का क्या स्टेटस रहा, कितने? तो बड़ा अभियान कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना से शुरू किया, वह निश्चित रूप से कोरोना के मरीजों के बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है और कोरोना के सुरक्षा चक्र के रूप में आज यह वैक्सीन हम सब लोगों के सामने है जो लोगों को दिया जा रहा है। और राज्य ने तय किया है कि 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया है। कल इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया, बिहार को भी वो टीका मिलना शुरू हो गया है, 2.5 लाख का पहला खेप भी आ गया है और हम इस अभियान में और गति लाएंगे, 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत करेंगे और इस अभियान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हम लोगों ने की है और इसका एक और पक्ष है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जागरण भी करेंगे, चूँकि आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागृति बहुत जरूरी है, जन जागरण का कार्यक्रम जरूरी है। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो एक अभियान गीत का भी लोकार्पण किया जिसको आप सब लोगों ने सुना भी होगा, तो ये अभियान गीत भी पूरे राज्य में चलेगा और अन्य तरीके से प्रचार प्रसार का भी हम उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करेंगे। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है जिसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेज़ी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं और पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है, जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगाने का काम करता है और नीम के साथ साथ हम लोग फलदार प्लांट भी लगा रहे हैं, जो फलदार प्लांट ये हॉस्पिटल में होगा तो जो गरीब गुरबा आते हैं उसको वो फल भी प्राप्त हो सकता है। तो इसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करा है प्लांटेशन का और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पूरे राज्य के सभी अस्पतालों में हम लोग प्लांटेशन करेंगे और जो विभिन्न संस्थाएं वहां भी करेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी साथ आए हुए हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, तो अस्पताल पूरे राज्य के अस्पताल में हम लोग इसका प्लांटेशन करने वाले हैं। कितने पौधे लगाए जाने हैं? 5 करोड़ पौधे लगाने हैं पूरे राज्य में,
5 करोड़ पौधे का टारगेट इस साल का है और 5 करोड़ का टारगेट हम लोग साल से पहले पूरा कर लेंगे। और हम लोग का प्रयास है कि विभिन्न संस्थाओं में, खास करके जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इन संस्थाओं में हम लोग मुख्य रूप से इसको लगाएंगे।